दूसरों को क्या देते हैं, द क्या देते हैं, मानद। मानस क्या कहता है, सब ही मान प्रद, प्रद मतलब देने वाला, प्रकर्षेण दिए थे, सब ही मान प्रद, सबको तो वो मान देने वाले हैं, और आप खुद कैसे हैं। ये देखो इसका मतलब एक चीज तो हुई है, सब संतों की यही अनुभूति है, तुलसीदास जी की अनुभूति तो है ये, जो तुलसीदास जी ने लिखा ये उनकी खुद की क्या है, ये अनुभूति तो होगी तभी तो उन्होंने लिखा है। वो उन्होंने तो सबको ही मान दिया, कोई संभाल पाया कोई नहीं संभाल पाया, उन्होंने तो सबको ही क्या किया है। आप अपने जीवन में देख दो, क्या मान ही तो दिया है आपको और क्या दिया। ये बात पक्की है कि सब संतों की जो अनुभूति है वो श्रुति में भी वही मिलती है। अब आप देखो वेद में भी वही मिल रही है, रामचरितमानस में भी वही मिल रही है, बोले जो चीज वेद कहता है, वेद की भाषा ये तस्य है ब्रह्मणो देवा अमहियंत, लेकिन जो रामचरितमानस है वो सब ही मान प्रद आप अमानी। विष्णु सहस नाम क्या बोलता, अमानदी मानद। इसलिए कहा गया कि ये जो संतों की अनुभूति है, और कैसे संत, सब संतों को नहीं सम्मिलित किया, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। हमारे स्वामी जी तो कहते हैं कि जो ब्रह्मनिष्ठ शब्द है वह व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत है। किसकी निष्ठा कहां तक पहुंच गई इसका निर्णय करने वाले हम और आप तो, और मान लो कि आप करोगे भी, मान लो करें भी, तो किस आधार पर करेंगे। जो आधार पर करेंगे वो सब ऊपर ऊपर का होगा, तो ऊपर ऊपर का तो सच होवे ऐसा जरूरी, तो आप भी तो ऊपर ऊपर से कितनी लीला करते हो, तो क्या वो सब सच है। किसी के कर्म के आधार पर, व्यवहार के आधार पर किसी की ब्रह्मनिष्ठा को नापना ये मूर्खता है। कि उड़िया बाबा हाथ जोड़ते हैं तो फिर वो भक्ति वाले हो गए, अगर कोई भागवत करता है तो फिर वो, ये तो माप ही गलत है हमारे, क्योंकि हमारी जो माप का पैमाना है वो है एक्सटर्नल चीज, बाहरी चीज तो कई कारणों से प्रभावित हो सकती है। अच्छा जिसको आप बोलते हो कि बहुत चुप रहना, बड़ा शालीन रहना, तो ऐसे भी समाज में आपको लोग दिख जाएंगे जो बहुत घाघ होते हैं, अंदर तो विष भरा होवे लेकिन ऊपर से वो व्यक्ति क्या करेगा, मुस्कुरा रहा होगा, ओहो हो हो हो। तो अब उसको आप क्या कहोगे, ये मुक्त पुरुष है, क्यों, क्योंकि ये मुस्कुरा रहा है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें, इसमें तो आप धोखा खा जाओगे, और इसीलिए व्यक्ति धोखा ही खाता है, क्योंकि वो तो बाह्य चीजों से ही अट्रैक्ट होता है। तो फिर बोले हम क्या करें, इसलिए इसका कोई उपाय नहीं। ब्रह्मनिष्ठा को इसलिए कहा गया कि ये व्यक्तिगत चीज है, इसका पार तो या तो गुरु लगा सकता है या तो वह स्वयं ही व्यक्ति बता सकता है, और उसको बताने का अधिकार नहीं है, ये भी श्रुति कहती है, उसको ये बोलने का अधिकार नहीं है। स्पष्ट हो गया, तो ब्रह्मनिष्ठ तो बोले भगवान ही जाने, लेकिन कम से कम उसको, उस साधक को, उस संत को क्या होना चाहिए, श्रोत्रिय तो होना चाहिए। श्रोत्रिय मतलब कम से कम उस श्रुति परंपरा में वह आया हुआ तो होना चाहिए, सुना हुआ तो होना चाहिए। किस परंपरा से, श्रोत्री परंपरा से। यदि श्रोत्री परंपरा से सुना हुआ संत होगा तो उसकी अनुभूति सदैव ही यही ही होगी, क्योंकि श्रुति में भी यही आ रहा है, और जो अन्य ग्रंथ हैं मानस और भागवत उसमें भी क्या आ रहा है, उसमें भी यही आ रहा है। तो दोनों की चीजों की कैसी हो गई, एक हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन ये वही कह सकता है जो श्रोत्रिय होवे, जो ब्रह्मनिष्ठ होवे।
तो उनकी तो एक यही चीज है। और सुन लो आप, उपनिषद में ये कह दिया, मानस में ये कह दिया, और नारद भक्ति सूत्र, मानस नारद भक्ति सूत्र कहता है तस्मिन तज्जने भेद अभावात्। भगवान और भगवान के भक्तों में बहुत ज्यादा अंतर, ये कौन कह रहा है? नारद भक्ति सूत्र। भगवान के स्वभाव के जैसे ही वह संत का भी स्वभाव धीरे धीरे होने लगता है। तस्मिन तज्जने, तज्जने मतलब उसके जन जो उसको मानते हैं, उसमें, तस्मिन मतलब उसमें, तज्जने मतलब उसके जन में भेद अभावात्। उस संत का जो स्वभाव है वो कैसे होने लगता है? उसके आराध्य के मुताबिक, जैसा उसका आराध्य वैसा उसका स्वभाव। तो इन दो तीन पंक्तियों से मैंने आज पहले दिन दो चीजों की बात कही। ईश्वर के दो स्वभाव हैं। पहला स्वभाव यह है कि जब भी आसुरी वृत्तियों से संग्राम होएगा तो होएगा, तो जरूर होएगा, साधक के चित्त में तो होगा ही होगा। तो दैवीय वृत्तियों का साथ जरूर भगवान क्या करते हैं? देते हैं, आज भी दिया है। दूसरा स्वभाव यह है कि वह जीत दिलाने के बाद, जीत की क्या कहें, एहसास कराने के लिए भी हमारे सामने, तो श्रेय के आकांक्षी नहीं है भगवान, वो श्रेय को बताने वाले भी नहीं है। यही गलती किसने कर दी? ये अपने आख्यायिका में पड़ी। ये लोग तो सब हार गए थे, तो एक अदृश्य शक्ति ने मदद की थी, और फिर ये लोग कौन हो गए? जीत गए देवता लोग, और जीत गए और धीरे से क्या कहने लगे, ते एक क्षंत। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये देखा, क्या देखा? अस्माकमेवायम विजयः, ये विजय ब्रह्म की नहीं है, अस्माकमेवम, ये विजय तो किसकी है? ये विजय तो मेरी है। अस्माकमेवायम, और ये महिमा भी किसकी है? हमारी ही है। इसका मतलब उनके जीवन से ब्रह्म नाम की चीज क्या हो गई, मतलब इतनी उपलब्धियों को देने के बावजूद भी हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता है जिसने ये सब उपलब्धियां क्या की हमको, क्योंकि वो पीछे हो गया। लेकिन साधक को सदैव उसको क्या करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। अब आगे जब मैं आऊंगा वापस, तब आपको व्हाट्सएप या एसएमएस करेंगे, 20 के बाद ही, 20 तारीख के बाद में, तब अब पुनः कक्षा यहीं से प्रारंभ करेंगे इस आख्यायिका से। लिए महिमा